सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एक होल सा सेट जो कि फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ओरिजिनल में आता है ये, और ये GX कंपनी का है 16 पीसेज होल सा सेट। तो फ्रेंड्स, मैंने हार्डवेयर की शॉप से ऑफलाइन परचेस किया है। फ्रेंड्स, इसकी ऑनलाइन प्राइस मैं आपको बता दूं तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट वीडियो के अंदर ही दिखा दूंगा। वो 440 रुपये अमेजोन पर इसका प्राइस है और साथ में कुछ एडिंग है डिलीवरी चार्जेस। कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये 500 रुपीज का ऑनलाइन हो जाता है। तो मैं आपको ऑनलाइन जाने की बिल्कुल भी 100% आपको नहीं बोलूंगा कि आप ऑनलाइन लो, आप अपने लोकल मार्केट में एक बार चेक कर लो, मिल ही जाएगा फ्रेंड्स। 100% आपको मिल जाएगा ये, आप चेक कर लो। ये 16 पीसेज का है और ये 127 लास्ट मैक्सिमम इसका जो है कि होल करने की कैपेसिटी है, 127 mm इसकी डायमीटर की होल करने की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वुड, यहाँ पे देख सकते हो आप वुड प्लास्टिक बोर्ड प्लाईवुड, यहाँ पे थोड़ा रखते रखते उन लोगों को थोड़ा यहाँ पे खराबी आ चुकी है। प्लाईवुड यहाँ पे प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम सीट, यानी कि पतले से एल्युमिनियम में होल कर देता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें इस यहाँ पे इसका पैकेट है जो, इसको हटा लेते हैं हम साइड में, और यहाँ पे हमारा मिल जाता है शानदार, देख सकते हो आप, बिल्कुल भी नया है एकदम। मैंने एक दिन हुआ इसे परचेस किए, यस्टरडे को मैंने परचेस किया था मार्केट से अपने। यहाँ पे आपको खोल करके दिखाता हूँ, इस साइड में यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, इसको मैं खोल करके आपको दिखाता हूँ, ओपन करता हूँ इसे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी नया है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी नया है, ये बिल्कुल नया है। मैंने इसे एक दिन हुआ परचेस किया तो सोचा आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ, ताकि आप भी कोई अगर ये होल सेल सेट परचेस करने आते हो तो इसकी प्राइस और कैसी क्वालिटी है मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप लकड़ी में, मैंने आपको बताया था लकड़ी में प्लास्टिक बोर्ड प्लाईवुड एंड प्लास्टिक अल्मोनियम सीट में आप होल कर सकते हो। ज़्यादातर हम लकड़ी और प्लास्टिक बोर्ड में ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा होल करके भी अपने ड्रिल मशीन से। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसके पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे। और ये फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया है, यहाँ पे दिखाया है साइज ऑफ होल सा, यहाँ पे आप देख सकते हो 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, फिर 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, यहाँ पे 76, 89, 102 एंड 126। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको पहले इसकी किस टाइप में इसे फिक्स करते हैं ड्रिल मशीन में, और अब मैं आपको गोल कटिंग, सर्कल में गोल कटिंग करके दिखाऊंगा, एक एक करके दो तीन पीस मैं होल करके दिखाऊंगा आपको लकड़ी में MDF बोर्ड में। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पे दो टाइप्स के मिलते हैं छोटे बड़े के लिए। यहाँ पे मैं इसे पहले इस नट को ओपन कर लूँगा यहाँ से, और फिर क्या करेंगे हम, थोड़ा यहाँ पे बड़ा होल सा सेट लेंगे, साइड में रखते हैं सारा, और यहाँ पर हम सब साइड में, यहाँ पर ये वाला फ्रेंड्स मैं लूँगा बड़ा वाला 64। यहाँ पे आप देख सकते हो 76 mm आपको दिख रहा होगा, 76 mm मैं लूँगा यहाँ पर, और इसे फिक्स इस टाइप में इसे अंदर से डालना है फ्रेंड्स, और देख सकते हो आप, हाँ इस टाइप में आपको फिक्स कर देना, देख सकते हो ये फिक्स हो चुका है यहाँ पर इस टाइप में। और पीछे से क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम, मैं इसे इस नट को इस टाइप में क्या करेंगे टाइट कर देंगे, थोड़ा रिंच जो बोलते हैं उसे आप लेकर के इसे टाइट कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा गलती हो गया है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप में आपको नट को यहाँ पे आप देख सकते हो टाइट कर लेना है, ठीक है। टाइट करके अब क्या करेंगे, मैं अपने ड्रिल में आपको फिक्स करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा ड्रिल मशीन मैंने लिया था, मैं लोकल जो होते हैं होल करने के लिए छोटे छोटे लकड़ी में, तो ये ड्रिल मशीन काफ़ी बेस्ट है, मैंने 700 rupees में अपने लोकल मार्केट से लिया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस टाइप में इसके जो चक है ड्रिल का 10 mm का है, इस टाइप में इसे करेंगे खोलेंगे, और फिर इसको इस टाइप में आप देख सकते हो फिक्स कर लेंगे, आप देखो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप अगर ये इसे परचेस करते हो तो आप किस टाइप में इसे फिक्स करोगे, ठीक है। तो इसका एक की आता है, उसे मैं टाइट करता हूँ फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप, छोटा सा एक की है इसके साथ, ड्रिल मशीन के साथ आता है। तो इसे क्या करेंगे हम, इस टाइप में यहाँ पे होल दिया रहता है, इस टाइप में आप इसे हम टाइट कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पकड़ करके अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप में आप फिक्स कर सकते हो इसे, इस टाइप में आप जितने टाइट से पकड़ोगे इसे उस टाइप में ये फिक्स हो जाएगा। अभी मैं आपको अच्छी तरीके से फिक्स करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इस टाइप में आपको करना है, ठीक है। अब इस टाइप में ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, मैं आपको फिक्स करके अच्छी टाइप में दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स आप देख सकते हो तो इस छोटे से की के द्वारा जो ड्रिल के साथ आता है तो इस टाइप में इसे टाइट किया जाता है, आपको पता होगा इस टाइप में। तो फ्रेंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो इसी तरीके के अनबॉक्सिंग और टेक्निकल के वीडियो रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। प्लीज एक बार और बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में घंटी आती है बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। चलिए मैं आपको ड्रिल करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसी देख सकते हो आप मैंने इसी से होल करके इस गोल व्हील को काटा है एमडीएफ बोर्ड में से। फिर से मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ, फिर से मैं एक कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप में होल करना है इसे। ठीक है फ्रेंड्स इस टाइप आप देख सकते हो इसे मैंने कटिंग कर लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। सो फ्रेंड्स आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको हाथ में ना लग जाए। यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का पीस लिया है और सो फ्रेंड्स इधर उधर यहाँ पे पूरी फ्लैट नहीं है तो यहाँ पे इधर उधर हो रहा था। आप देखो कितनी शानदार ये होल कटिंग कर लिया फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप होल कर सकते हो, इतनी शानदार ये सीट निकाल देता है आपको कोई काम हो तो। चलिए मैं आपको अपने स्टूडियो पर लेकर चलता हूँ। फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये मैंने ब्लूटूथ स्पीकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, बहुत ही शानदार इसकी लाउड इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। एक चीज तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे, मैंने स्पीकर का जो होल कटिंग किया है ये हार्डनर के अंदर मैंने इसी होल सा शेप से किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से होल हो जाता है फ्रेंड्स कटिंग में। और इतनी अच्छी डिजाइन है इस ब्लूटूथ स्पीकर की फ्रेंड, आप देखो तो इतनी शानदार तरीके से कटिंग कर दी है। तो आपको मैं पीछे की साइड से दिखाता हूँ, यहाँ हमारा पेन ड्राइव, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप पेन ड्राइव से यूएसबी से और मेमोरी कार्ड से भी और ब्लूटूथ से भी सबसे चला सकते हो। यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए है और कुछ दिखेगा अंदर चार्ज हो रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ इतनी शानदार मैंने ब्लूटूथ स्पीकर बनाया है फ्रेंड्स, तो इसी से मैंने कटिंग किया था। फ्रेंड्स इसकी मैं आपको साउंड सुनाकर दिखा सकता हूँ। ब्लूटूथ मोड। सो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो देखना है इस ब्लूटूथ स्पीकर की तो मैंने आपको इंडिस्क्रीन में दिखा दूंगा और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के लिंक, आप वहां से देख सकते हो। तो प्लीज़ एक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरीके के लेटेस्ट और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।